Assalamualaikum, welcome back to another vlog. कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरा टीम बैठ होंगे। जी हम आए थे तकलीफ लेने स्वाद और एक राजवेना हमने बात गुजारी और अब हम कर रहे हैं घर की तरफ वापसी। तो हमारे साथ तकलीफ में पहुंचे तकलीफा पूर्त खुशहाल है। ये आया था जो ना अपने मामू की घर आए थे लेकिन थोड़ा जो है ना खपा था। मैंने कॉल किया था कि भाई तकलीम साहब आएगा कि नहीं, ये बोला था कि तू आओ मैं आपके साथ आता हूँ। मैं आया और मेरे साथ जा रहा है ना था कोई भाई रोजा रोजा ही वाला रोजा ना बात नहीं कर रहा है जी। अब अभी जो है ना हम जा रहे हैं ये है फैजाबाद। आज जो है ना फैजाबाद की जो चौक है वही का यार हम तो मेरा गांव पसंद खपा है बहुत ज़्यादा। जब जाएगा ना फिर हमारा दिल मेरा वो ठीक हो जाएगा कि परेशान है। और ये गाड़ियों का आवाज़ हो ये माहौल आप देख लेना। इसके जो पानी है ना ये गंदा है, ये बस हमको अच्छा नहीं लगता यार कि ऐसे माहौल हो और हम जो है ना वहाँ पर रह रहे हैं ठीक है ना। तकलीम साहब भी बहुत परेशान था कि तुम कब आओगे और मैं हम जो है अपने साथ ले जाओगे ऐसी बात है ना। इंशाल्लाह अपने घर तक जो है ना व्लॉग को जारी रखेंगे तो हमारे साथ रहिए। हमारा तो रोज़ा है लेकिन तब भी बोलना है कि यार हमको भूख लगी है। तब भी के लिए जो है ना हम जूस वूस और कुछ चीज़ें लेंगे कि ताकि जो है ना उसका पेट जो है ना पेट वो भर जाए। जी हम पहुंच गए हमारा जो हमारे इलाके की जो स्टैंड है ना यहाँ से जाते हैं हमारे इलाके की गाड़ी तो जाके अपनी गाड़ी पे बैठेंगे। केले ले ली अभी उसको खाएगा तो फिर पेट भर जाएगा इसका। फिर तकीम ने केले भी खा लिए और ये भी करा है और अभी बोला है कि हमें जो है ना जूस चाहिए तो ये तो बोझा है तो जूस ला के जो है ना हम इनको देंगे ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है ना पेट भर जाए फिर ये जो है ना बातें करेगा हमसे। यार अभी जो है ना हम अपने सफ़र का जो है ना आगाज़ करेंगे। पता नहीं यार ये ड्राइवर साहब जो है ना क्या कर रहा है यार। तकीम साहब भी पूरे परेशान है कि हम कब जो है ना रवाना होंगे। हमने जो है ना अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया और अपने घर की तरफ जो है ना रुख मोड़ लिया। और मेरा उर्दू जो है ना वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है ना मैं समझा सकता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ और मेरी ये फीलिंग है। तो जी अब जो है ना हम घर की तरफ जो है ना सफ़र करना जो है ना हमने शुरू कर दिया है। तो हम अल्लाह से जो है ना दुआ करते हैं कि हम और तकीम जो है ना वो घर सही सलामत जो है ना पहुँचे। जी ये है वो जगह जहाँ पर जो है ना दरियाए स्वात है लेकिन ये जो आप सामने पानी देख रहे हैं ये दरियाए स्वात की पानी नहीं है क्योंकि ये गंदा पानी है मेरे ख्याल से शहर की। और दरियाए स्वात जो है ना वो उस साइड पे है। जब आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को अच्छे वाला भी दिखा लूँगा लेकिन बहुत अच्छे वाला भी नहीं क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं है इसलिए। तो जी ये है दरियाए स्वात आप लोग देख सकते हैं लेकिन माशाल्लाह से पानी बहुत साफ़ सुथरा है लेकिन हमारे जो दरिया है ना लोई दर में दरियाई पंचकोड़ा उसका जो पानी है ना वो मेरे ख्याल से साफ नहीं होगा क्योंकि हमारे इलाके पे तो जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस वजह से पानी का रंग जो है ना वो थोड़ा तब्दील होता है। जाके ना अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा।
पिछले साल जो है ना दरियाए स्वात की जो पानी है ना वो यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि सैलाब थे और पानी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई थी, तो इस वजह से लोगों के जो फसलें हैं वो भी ख़राब की हुई थी पानी ने, और चावल थे बहुत से लोगों ने जो ना अपने लिए खेतीबाड़ी की थी, बस अल्लाह का काम है। और पानी जो है ना वो अपना जो जगह है ना, जगह जो है ना वो किसी को नहीं देता। तो जी ये वो मुकामात है जहाँ से जो है ना हमारा लोई दर का आगाज़ होता है, इसको कहते हैं शमोज़ो मेरे ख्याल से। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है और गर्मियों में जो है ना यहाँ पर लोग आते हैं और गन्ने का जो जूस है ना वो पीते हैं, लेकिन अभी रमज़ान है तो लोग भी नहीं है सड़कों पे। जब रोज़ा नहीं होता तो फिर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा लोग सैर के लिए जो है ना आते हैं। तो जी यहाँ से शुरू होते हैं हमारे देर की जो सरजमीन है और खूबसूरती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो जी ये है चकदरे की जो मुकामात है, ये चकदरा शुरू होने वाला है और चकदरा भी बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि चकदरा जो है ना वो लोअर देर की आगाज़ है। ये है चंदेरी का बाज़ार, हम चंदेरी बाज़ार बन गए। चंदेरा बाज़ार में ही हमारे दीर में आता है। हम पहुंच गए चकदरा की बाज़ार और चकदरा की जो बाज़ार है उसमें अजय गर्मी है लोहे दिर की, लोहे दिर की ना पूरी दिर की, तो ये आप सामने देख सकते हैं और बहुत ठटक भी है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं इस रमज़ान में, बाज़ार में घर पे क्यों नहीं बैठ रहे। ये है हमारी लोहे दिर की खूबसूरती, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। स्वाद भी बहुत खूबसूरत है, मैं उस स्वाद में जो है ना आपको अच्छे अच्छे वाला जो जगह है वो नहीं दिखा सका क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं था, लेकिन ईद के बाद दिखाऊंगा। ये देख ले नेचर की ब्यूटी, और इंशाल्लाह अभी रमज़ान है और ईद के बाद मैं जाऊंगा और अपने इलाके की जो नेचर की ब्यूटी है वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूंगा। हमने नमाज जो है ना वो पढ़ लिया, अब हम जाते हैं घर की तरफ। तो भाई साहब ये हमारे दिल की जो है ना खूबसूरती देख ले, और हम जाते हैं इस पे। ये है हमारा गाड़ी, ठीक है ना, कराई देते हैं ना इसको, ये हमको जो है ना घर तक ले जाएगा। हाँ तो जी हम पहुँच गए थे हमारे घर, अब ऐसा करते कि जाते हैं मैदान, ठीक है ना। हाँ तेमर घर कैसा लगा ना, स्वाद कैसा लगा तेमर घर? हाँ तो क़ीम साहब ने ग्लासेस भी ले लिया और दबंग का जो स्टाइल है ना वो इसमें जा रहा है। वॉच भी ले लिया और ग्लास भी ले लिया, आइसक्रीम भी खा लिया, और खा ली नहीं है कि नहीं, नूर से खुरी के नखुरी। हम पहुंच गए अपने स्टैंड, मैदान वाला स्टैंड, अभी हम पेल्डर में जाके कुंबल जाएंगे और कुंबल से फिर सीधा घर। ऐसे बात नहीं, तक़ीम साहब खुशहाल है कि ना, खपे खुशहाल है, सही दादा ये भी खुश है, बोल रहे कि मैं खुश हूँ घर जाके। तो जी यार हमारे इलाके में भी जो है ना बारिश के इम्कान है, लेकिन मेरे ख्याल से कल से बारिश का इम्कान है, तो जब होगा हम आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना। तो जी मैदान की तरफ टपाल शुरू, अब हम जाएंगे मैदान, क्योंकि मैदान में जो है ना हमारा घर है। हाँ तो जी हम पहुँच गए लाल किला,
और उसामा साहब भी पहुंच गए, तो अस्सलाम वालेकुम। लंबी मुसाफरी से वापस आए भाई। जी आप ऐसे करते हैं कि जाते हैं घर, ठीक है ना, क्योंकि फजूला भी इंतजार कर रहा है ना जिम में, फिर जिम भी जाना पड़ेगा ना। तो जी हम पहुंच गए घर। 3 घंटों का सफर था वो हमने जो है ना कंप्लीट कर दिया, और ये है सामने जो है ना हमारा घर। इस जगह पे हम करते हैं व्लॉग की एंड, आपसे मिलेंगे एक और अच्छे व्लॉग में। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ये था स्वाद से घर तक का सफ़र। तकवीम लेने हम गए थे और तकवीम हमारे पास आ गया।